जी, तो इट्स डे 4। काजा और टेम्परेचर जो है वो ऑब्वियसली फ्रीजिंग है, बट ये भी जम चुकी है। बड़ी मेहनत से निकालनी पड़ रही है। विंटर में इफ यू आर कमिंग टू स्पिति, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर सो मैनी थिंग्स। फर्स्ट, आपको सुबह उठते ही वॉशरूम के लिए पड़ेगा, अपने आप को एकदम अंदर से तैयार करना पड़ेगा कि भाई नहीं, मैं सच में, मुझे ब्रश करना है, मुझे फ्रेश होने जाना है। और आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको टिश्यू रोल ये सब यूज़ करके, ऑब्वियसली पानी मिलेगा बट इतना ठंडा होगा कि आप यूज़ करने का आपका मन नहीं करेगा। सेकेंड थिंग कि रनिंग वाटर नहीं मिलता है टैप में, रनिंग वाटर होता ही नहीं है क्योंकि सब कुछ फ्रीज हो जाता है, पानी का बहुत ही लिमिटेड पानी मिलता है आपको। उसमें फ्रेश होना है, ब्रश करना है, व्हाटएवर जो आपके डेली काम होते हैं वो आपको करना है उतने ही पानी में, तो नहाने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। थर्ड थिंग कि खाना बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि आपने बोला और तुरंत चाय मिल गई, आपने बोला और तुरंत खाना मिल गया, ऐसा नहीं होता है क्योंकि खाना बनने में भी टाइम लगता है। सो या दिस इज वॉट, थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा सा ज्ञान दे देता है। बाय द वे, अभी मैं रेडी हो रही हूँ, हम अभी जाएंगे चीचम और की मोनेस्ट्री, किब्बर जा रहे हैं, और या आपको साथ लेकर चलेंगे। सो या लेट्स गेट रेडी। ओके जी, ऑल सेट, ऑल रेडी। यिप्पी, आज मैंने दो चोटी बना ली है, मस्त एकदम रेडी वेडी हो गए और निकल रहे हैं हम चीचम के लिए, किब्बर के लिए। गाइस, तो ये होता है रात गाड़ी चालू रखते रह, पूरी रात भर जो है गाड़ियाँ स्टार्ट होती है। गाड़ियों की जो हालत आप देख रहे हो, ये पूरे बर्फ का देखो, यहाँ पे ऐसे पूरा बर्फ जम चुकी है। दिस इज सो सेटिस्फाइंग। बहुत खास और नजारे इतने सुंदर है कि मैं क्या बताऊं, मुझे रोना आ रहा है। हैप्पी टियर्स। बाय द वे, यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो इस तरफ फंसी हुई है, तो हमारी गाड़ियाँ जो है वो सारी इधर से जा रही है, आप देख सकते हो। इतना स्नो है, इतना स्नो है ना, इतना सा पैच है, यहाँ से जानी पड़ेगी। इट्स डिफिकल्ट। इसको ना हल्की राइट चले जाएंगे, आप लेफ्ट में चले जाएंगे। लेफ्ट में डाल के रखना ना, उधर रास्ता बना हुआ, लेफ्ट में डालो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, निकल जाएगी। चलो चलो चलो, निकल गई, ओ निकल गई, निकल गई, ले जाओ ले जाओ, निकल जाएगी, गई गई। चलो 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 चलो, पारे की बैठ जाएगी ना ये, एक दो तीन चक्की चो, एकदम से राहुल ही बैठना था। बस 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 बस, अब खींच लो, एक ही बार में खींच लो, चली जाएगी, चलेगी चलेगी चलेगी, हल्की पीछे लो, बस बस बस, अब जाने दो, चलो 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 चलो, टायर सीधा रखना, टायर सीधा रखो, बिल्कुल ले जाओ, लगा दे यार, रुक जा रुक जा, आ रही हूँ। ये गुड जॉब पायलट, ऊपर भी कृपया ध्यान दे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करे, गाड़ी के ऊपर तो ना चढ़े, गाड़ी के ऊपर भी ना चढ़े। हम पहुंच रहे, हम एंटर कर रहे हैं आइकॉनिक, द वेरी ब्यूटीफुल चीचम खास, एवरीबॉडी ये मेड इट चीचम। गाइस, आपको चलते चलते एक इसकी खास बात बता देती हूँ मैं, इतनी हाइट पे बना हुआ ये पहला ब्रिज है और इसे
बनने में 15 साल लगे, किड यू नॉट, 15 साल लगे थे इसे बनने में. एंड इट्स आइकॉनिक ब्रिज ऑफ स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश. यस, वी आर ऑन दिस ब्रिज. अभी हम यहाँ पे बहुत सारे शॉट्स लेने वाले हैं, बट गाड़ी हम खड़ी नहीं कर सकते बीच में, तो हम पहले गाड़ियाँ उधर ले जा रहे हैं उस पार. और इसकी जो हाइट है ना वो मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ, मतलब रुक जाओ, हम उतरेंगे उसके बाद दिखाऊंगी, चक्कर आ जाते देख के, इतनी हाइट पे बना हुआ है ये. यस. वापस हमारे स्टे में, और अभी वी आर गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वी लीव फ्रॉम हियर. की मोनेस्ट्री बंद था इसलिए हम की मोनेस्ट्री नहीं जा पाए. की मोनेस्ट्री हमने बाहर से देखी क्योंकि अभी मोनेस्ट्री सारी बंद है स्पीति की बिकॉज ऑफ कोविड थिंग. सो बट वी हैव सीन लाइक आउटसाइड से. आराम से आना, बस यहाँ फिसलना स्नो की वजह से ना. ए डोल डोल, कितना प्यार से लेटा हुआ है, देखो इसको. वही आजा, हाथ पकड़ा जा डोल डोल. मैं खुद फिसल रही हूँ, तेरे को क्या संभालूंगी, आराम से ठीक है. जी तो वी ऑल आर सेट टू रोल अगेन. लाइक हमारा काजा में जो है 2 ही दिन का था, मतलब 2 दिन भी पूरे नहीं थे. आज हम वापस निकल रहे हैं कल्पा की तरफ. वी ऑल आर रेडी. बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि हम सुबह सुबह चीचम चले गए. सो गाइस अभी हम आ गए हैं स्पीति रिवर बेल्ट पे और यहाँ पर करने वाले हैं स्नो स्पिन. ओहो, नीचे देख सकते हो कहाँ तक ऐसी बर्फ में पूरे से पैर चले गए. बट हाँ, मजेदार मजे आने वाले हैं. तारिका की एक फरमाइश थी और उस फरमाइश को पूरा कर रहे हैं मिस्टर जंपी. यो टेंजिन चटनी जो कि हमने कल वहां पे गोम्पा में खाई थी, वो चटनी कल हमें मार्केट में नहीं मिली क्योंकि संडे को मार्केट होता है बंद. तो आज हम जा रहे हैं वो टेंजिन चटनी लेने. और हमें काफी अल्टीट्यूड गेन करना है और वहां सांस फूलती है. अभी से बैठे कर रहे हैं. ओके गाइस चलो, सी यू इन 5, 5, 5. सो हम आ गए काजा मार्केट में. आज मार्केट खुला हुआ है, कुछ भी नहीं है. आपके पास वो चटनी है टेंजिन चटनी? हाँ जी, क्या टेंजिन वाली ना? ये देखो मैम, ये ड्राई वाली है क्या? वो वाली नहीं है, वो नीली वाली. तेरे पास है?
वो किधर मिलेगी? सिरप लेंगी तो है, सिरप गीला वाला ना? हाँ नहीं सिरप, सिरप नहीं, वो थोड़ी सी ऐसे उसमें आती है प्लास्टिक के डब्बे में ऐसे बड़े। नहीं नहीं एक बार दिखा देंगे आप ना, जो केतंजीन और सिरप दोनों सेम सेम ही, अच्छा टेस्ट। और वो तो चटनी ऐसी तो थी उसकी, नाम सेम ही है, नाम अलग है। यही ले ले चल फिर। और ये क्या है? ये क्या? ये राइस नूडल है। अच्छा ये फ्राई करके खाने वाले की अच्छा हमारे काम का नहीं है। ले ले तारिका ये वाला एक और। क्या फिर बाद में मत करना कचकच, अभी ले ले कचकच। मतलब इसमें देख ये सब चीजें, ये एक कुछ नमकीन लेना, ये ले ले। ये 190 + 60 ये। रुक जा रुक जा रुक जा, सबको मिलेगा। ए हप हप अरे 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 इसको खाने दे, तेरा खुद ही खा जाएगा। ये ले वो मेरे पास हो गया बेटा। यहाँ आती है गाइस, गाजा तक आती है HRTC की बसेस, आपने देख लिया। आपको अगर बजट ट्रिप करना है, इफ यू वांट टू डू बजट ट्रिप लाइक ऐसे, आपको अकेले सोलो, मोस्टली लोग सोलो ही करते हैं, मतलब आप फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, जर्नी विल बी टू लॉन्ग। तो अगर दिल्ली से आपको गाजा तक की जर्नी करनी है तो आई विल सजेस्ट, लाइक मैंने अभी तक नहीं करा है ऐसे बस से, बट कई लोगों ने किया। आप वैसे वीडियोज भी देख सकते हो यूट्यूब पे, बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ऑलरेडी किया हुआ है कवर। बट आपको दिल्ली से शिमला, शिमला से आपको बस मिल जाती है गाजा की, जो रिकांगपियो काफी लंबे टाइम के लिए हॉल्ट करती है, तो आप चाहो तो आप वहां पर भी स्टे कर सकते हो एक दिन, उसके बाद नेक्स्ट डे आप कोई बस लेके गाजा आ सकते हो, आप वैसा भी कर सकते हो। सो या कितने बज रहे हैं? 4:20 हो रहे हैं और हम पहुंचने वाले हैं ताबो, और शायद नागो में थोड़ी देर रुकेंगे, कुछ ऐसी थोड़ा पेट पूजा कुछ कर लेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा जाएंगे कल्पा। तारिका को पहली बार हम खिलाएंगे अभी, फिर उसका रिएक्शन जानेंगे। तो पहला रिएक्शन दे, सही अच्छा लग रहा है ये, और ये लो पूरा ना करते। तो काजा में अगर कुछ ना मिले खाने को, वाई वाई लो, वाई वाई और वाव वाव करो, और वाव वाव करो, मस्त वाव वाव। फिर से हम आ गए हैं उसी स्पॉट पे जहाँ पे हम लास्ट ईयर भी आए थे, जब मतलब वापस जा रहे थे जब स्पीति से, तो हम यहाँ पर रुक के हमने चाय और समोसे खाए थे लाइक सुंदो में। और यस हम अगेन वी आर हियर। सॉरी का चलो चल
चल के चलो खाएंगे चाय समोसा। खाए आप लोगों ने चाय वाय पिया? गरम गरम समोसे तुमको नहीं मिलेंगे। खाओ खाओ तारिका, गरम गरम समोसे चाय चाय। ऐसे जगह पे समोसे मिल जाए तो क्या ही है। क्यों गाइस, अभी हम थोड़े ही दूर थे कल्पा से और एक गाड़ी जो एक जिप्सी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू फिगर इट आउट। क्या सीन हो गया वैसे? सीन कुछ नहीं, जो एक्सीलेटर वायर, एक्सीलेटर का जो होल्ड होता है ना वो एक्चुअली गिर गया है, तो उसको वहां पे फिक्स करना है ताकि वी कैन पुट द एक्सीलेटर। तो वही फिगर आउट कर रहे हैं कि कहां से इसमें वायर वगैरह। हेलो, एक्सीलेटर वायर का जो वो परेशान तो नहीं हो रहा लूका? अरे कंटेंट कहाँ से मिलता, कंटेंट कहाँ से मिलता? कंटेंट के लिए हमने गाड़ी खराब करी है। आए ऐसे ना बोलो, मेरे ऑडियंस मेरे वीडियो देखना बंद कर देंगे। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हम भी नहीं चाहते थे, हम भी बहुत थके हुए, सबके चेहरे देखो। बिल्कुल, नथिंग सीरियस, बट वी आर ऑलवेज ऑन इन हाई स्पिरिट्स, सो यस। और हम लोग साथ हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। एज अ टीम वी आर देयर टुगेदर। तो यही हुआ था कि कोई नहीं मुड़ेगा, बट सारे के सारे मुड़ के वापस आए और इसको ठीक करेंगे। हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है यही गाड़ी थी जो थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो गई थी। अब देखो क्या रफ्तार से चल रही है, क्योंकि लुका बैठा है। आई हैव ऑल द राइट रिजर्व फॉर टीका एंड टिप्पणियाँ, बट this guy right here he made it possible aur kar diya. kya kya problem ho gayi thi वैसे थोड़ा बता दो यार, ऐसा क्या ऐसा एक्सीलेटर खराब हो गया था इसका ना, वो टूट गया था। हां एक्सीलेटर क्या बोलते हैं उसको, पेडल होता है। हां अच्छा, टेंपरेरीली हमने फिक्स किया है। फिर कितना कारगर होता है? ओके, अभी टेंपरेरी फिक्स किया हुआ है, बाकी जाके पीओ में, पीओ पीओ में देखेंगे। पीओ में जियो, पीओ में जियो, ऐश करो। अभी मैं तो यार मुझे ऐसा थकान पता नहीं क्यों नहीं फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस पहुंच जाए, मतलब डेस्टिनेशन की वाला फील है, बाकी थकान वकान तो नहीं हो रही है। पता नहीं कल रात को बहुत ही अच्छी नींद हुई ना, तो थकान नहीं लग रही। अभी वैसे 9:30 बज चुके हैं आई थिंक, यस 9:30 एग्जैक्टली, एंड वी विल बी रीचिंग आई थिंक विद इन एन आवर और मे बी 40-45 मिनट्स मे बी, है ना? यप। सो अब आपसे सीधा मैं पहुंच के बात करूंगी, पहुंच के